नमस्ते फ्रेंड्स, ये देखिए आज हमने बनाए ये लीफ पकोड़ा। फ्रेंड्स, आज हम लीफ पकोड़े बनाने वाले हैं। ये एकदम खाने में टेस्टी कुरकुरे होते हैं। ये देखिए, ये मेरे हर्ब गार्डन में लगा हुआ है। ये अजवाइन जैसा पत्ता होता है और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है सेहत के लिए। हमें चाहिए ये अजवाइन पत्ता। ये मैंने अपने हर्ब गार्डन से ही लिया है। नमक स्वाद अनुसार, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, अजवाइन, हींग, ये चीज़ें पकौड़े का फ्लेवर बढ़ा देती हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ती और पानी। हमने फ्रेंड्स ये 4 बड़े चम्मच भर के बेसन के ले लिए हैं। नमक स्वाद अनुसार, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ा सा डालना है, ये हींग, चाट मसाला और ये अजवाइन क्रश करके इसका स्वाद और दुगना हो जाएगा। अब डाली हमने धनिया पत्ती और थोड़ा सा पानी डालते हुए इसको मिक्स कर लिया। इसका हम बना लेंगे पकोड़े वाला गाढ़ा घोल। ये देखिए, बिल्कुल ऐसा घोल हम इसका तैयार कर लेंगे। अब हमने ये धोकर पहले ही पत्ते रख लिए थे। ये बिल्कुल पालक पकोड़े की तरह लगते हैं और ये हेल्थ की दृष्टि से भी बहुत अच्छे होते हैं। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से हम दोनों तरफ से इसको बेसन में लपेटकर तलते जाएंगे। हमने पहले से ही कढ़ाई में तेल डालकर गरम करने रख दिया था। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर उलट पलट करते हुए हम अपने ये पकोड़े तैयार कर लेंगे। और एक बार हम इसको उतारने के बाद दोबारा भी इसमें तल लेंगे, इससे इनमें कुरकुरापन बहुत अच्छे से आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे ये तला हुआ पकौड़ा होने पर भी हेल्दी कैसे हुआ, लेकिन क्योंकि ये अजवाइन का पत्ता ये पेट में डाइजेशन को बहुत अच्छा रखता है। अब मैंने इन पकौड़ों को दोबारा भी तल लिया है और ये एकदम सुनहरे हो गए और कुरकुरे भी हो गए। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इस वाले पत्ते वाले पौधे का मेरे हर्ब गार्डन में वीडियो देख सकते हैं। देखिए कितने, इनकी आवाज़ सुनिए, ये कितने क्रिस्पी हैं। काट के भी दिखाती हूँ आपको, ये इस तरीके के लगते हैं। फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये चटनी और सॉस के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं।